अपराधी बेलगाम। देर रात सोए अवस्था में एक किसान की सिर में गोली मार हत्या। पुलिस शव को कब्जे में ले जांच में जुटी। बिहार क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। सुपौल के रतनपुरा थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने सोए अवस्था में एक 55 वर्षीय व्यक्ति को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला सुपौल जिले के रतनपुरा थाना क्षेत्र के पिपराही गांव का है, जहां 55 वर्षीय मोहन पंडित अपने दरवाजे पर सोए हुए थे। तभी सोए हुए अवस्था में अज्ञात बदमाशों ने मोहन पंडित के सिर में गोली मार डाली, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना रविवार की करीब 2 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात अपराधियों ने मोहन पंडित के पर गोली मारने से पहले उनके घर के बिजली के तार को भी काट दिया था, जिससे पूरा अंधेरा कायम था। इस गोलीकांड की घटना के बाद अंधेरा का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल रहा। परिजनों ने बताया किसी से दुश्मनी नहीं थी। मृतक गांव के किसान थे, जो खेती बारी करके अपने घर में रहते थे। मौके पर रतनपुरा थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। वहीं वीरपुर SDPO पंकज कुमार मिश्रा घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे, जिन्होंने बताया कि एक शख्स की गोली मारने से मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लगभग 2 बजे रात में पिपराही वार्ड नंबर 3 का रहने वाला मोहन पंडित को गोली मार दिया गया है। प्रथम दृष्टया उनके छोटे पुत्र को लगता है कि उनके बड़े भाई के द्वारा ही जो है मृतक के बड़े पुत्र के द्वारा ही गोली मार दिया गया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त जल्द से जल्द पकड़ करके जेल भेजा जाएगा। कब की घटना है और क्या हुआ? ये 2 बजे का रात का घटना है। जब हम सो रहे थे आवाज हमको सुनाई दिया, जब दौड़ करके आए तो बिजली वाला तार कटा हुआ था। जब माँ को आवाज दिए तो माँ पिताजी को आवाज दिए तो पिताजी को गोली लगा हुआ था, मगर आदमी जो है द्वार पे देके दौड़ करके निकल गया। उसी के बीच में आदमी को जब हम आवाज मारने लगे गांव वाले को, तो गांव वाले कोई नहीं, अमित भैया के दरवाजा पे गए, जोगिंदर चाचा के दरवाजा पे गए, उन लोगों को बुला करके लाए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सब आदमी इकट्ठा हुआ। क्या नाम है? गौरीशंकर पंडित। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।